अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो पहली बात तो ये है कि कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोजे? उम्मीद है कि अच्छे ही गुजर रहे होंगे, बल्कि बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। हमारे तो रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत जल्दी गुजर रहे हैं यार। आज माशाल्लाह हम लोगों ने कितना रोजा रख लिया यार, चौथा रोजा रख लिया हम लोगों ने माशाल्लाह। तो बाकी सिर्फ 25-26 रोजे रह गए यार, रमजान तो खत्म होने वाला है। क्या कर रहे हो आप लोग? लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। अब अफ्तारी तो आप लोग कराओ कि नहीं, कम से कम यही गिफ्ट समझ के दे दिया करो। और मेरी सुबह को ऐसी हालत होती है भाई, हर वीडियो में मुझे पता है। सारे सोच रहे होंगे कैसा बंदा ब्लॉग बनाता है, ऐसे मुंह उठा के आता है सोया हुआ। मैं दरअसल जिस हालत में होता हूँ उस हालत में आ जाता हूँ यार। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो चेंजिंग लाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, आपको दिखाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों के साथ। बाकी टाइम हो गया, ऑफिस चलते हैं, काम पड़ा हुआ काफी, जाके काम शाम करते हैं, फिर देखते हैं हमारा दिन कैसा गुजरता है। अल्लाह करे अच्छा गुजरे, आपका भी अच्छा गुजरे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं। सबको लगता है कि मैं ऑफिस में आराम करता रहता हूं, काम तो है ही नहीं ना। मैं अभी 2 मिनट मिले सुकून के बैठने के लिए, अभी कोई ना कोई आ जाएगा और जाने दो। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऑफिस में बैठ के एसी चला के अयाशी करते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, 2-4 मिनट सुकून के मिल जाते हैं, लेकिन वैसे बहुत जलालत झेलनी पड़ती है। वैसे तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रोजे के साथ आप समझ सकते हैं कि अकेला बंदा क्या क्या करेगा। क्योंकि ऑफिस में मैं अकेला होता हूं, मेरे साथ कोई नहीं होता, मैं होता हूं और मेरे साथ भी मैं ही होता हूं। लेकिन अच्छी बात है यार, अकेले काम करने का भी अपना ही मजा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा कि ऐसे क्यों कर रहा है वैसे क्यों कर रहा है। ना आपको किसी से शिकायत होगी, ना किसी को आपसे शिकायत होगी। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से काम करोगे अपना, आपको पता होगा कि मैंने ही काम करना है, बाकी तो चलता रहता है, लाइफ का हिस्सा। चलो अब इतने फारिग भी नहीं हुए, अब काम बाकी है, काम करते हैं। 3 hours later। जी तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं काम से और ये मक्खियों ने तंग किया हुआ है यार, शर्म नहीं आती यार। निकल यार, ये मैं मक्खी निकाल लूं क्या यार? एक तो बंदे का रोजा, ऊपर से मक्खियां तंग कर रही हैं। रुको यार, अल्हम्दुलिल्लाह मक्खी निकल गई गाड़ी से। यार बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है इस टाइम पे, इस टाइम पे ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। और गाड़ी ऐसे गर्म हुई होती है कि यहाँ पे आप लोग अंडा रखो तो बॉयल हो जाएगा, रोटी रखो तो पक जाएगी, जैसे हम लोग पक रहे हैं। मुझे भी पसीने आ रहे हैं,
तो मैं कहता हूँ चलते हैं घर चलते हैं, अच्छी हालत में जाके वीडियो बनाते हैं, हालत बहुत खराब हो रही है, घर भागते हैं। हाँ जी, तो हम लोग रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए। एसी हम लोगों ने चला लिया है, फुल तेज कर लिया है, अब हम लोग भागते हैं घर। चलो शाबाश, चलो। तो सीन ये हुआ है, पता नहीं मुझे कैमरा सही नहीं दिख रहा, खैर सीन ये हुआ है कि मेरे पुराने दोस्त की कॉल आई है और वो कहता है कि मैं आपके घर के पास आ रहा हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या सीन होगा, इतनी गर्मी में कोई किसी से कैसे मिलेगा, लेकिन मिलना पड़ेगा, चलो देखते हैं। भाई लोग, गर्मी का ऐसा सीन है, आप लोगों को क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बस मत पूछो कितनी गर्मी है। शुक्र है अल्लाह का कि गाड़ी का एसी चल रहा है, अल्लाह करे चलता रहे ऐसे। आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोग ड्राइव कैसे करते हो, मतलब ऐसे कोई ड्राइव करता है क्या? ये वैसे हमारे एक दोस्त ने हमें तरीका सिखाया था, क्योंकि हम लोग पूरा पूरा दिन ड्राइव करते थे, तो ड्राइव करके जब थक जाते थे तो फिर हम लोग एक टांग से गाड़ी चलाते हैं। वैसे गलत है लेकिन चला लेते हैं कभी कभी, क्या करें। तो आप लोगों को मैं अभी सामने का मंजर दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा मंजर है जद्दोजहद का, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है जद्दोजहद का पहाड़, किसी दिन आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से पूरा व्यू दिखाएंगे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी वो दिन आने वाले हैं, हम लोग भी पूरी दुनिया घूमेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, आप लोगों को भी साथ साथ घुमाएंगे। काफी बड़ा है पहाड़ ये, काफी दूर तक जाता है, मुझे भी दूर जाना है। दूसरी तरफ से भी आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं। तो दोस्त से हमारी मुलाकात हो गई है, बेचारा बहुत थका हुआ है, जा रहा है घर, काम ढूंढ रहा है, अल्लाह इसे रिस्क दे, इसे काम दे। तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या सीन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अफ्तारी कर ली है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, और रोज़ की तरह मगरिब की नमाज पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह इशा की भी पढ़ ली है। और दूसरी बात यार, कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं, वैसे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अब आप
जब किसी को चीज दे देते हो तो उससे मांगना अच्छी बात है क्या? पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि इन दिनों में इतने बिजी टाइम में कोई चूल्हे का क्या करेगा? मतलब छोटा सा चूल्हा नहीं होता। एक दोस्त ने मुझे कुछ अरसा पहले सामान दिया था, तो उसमें एक हुक्का था जो शीशा होता है, आपको पता ही होगा, पीने वाला, तो साथ एक चूल्हा था छोटा सा। अब वो दोस्त मेरे से बात नहीं करता आजकल, अल्लाह उसे हिदायत दे, उसे कोई गलत फहमी हो गई है, उसे लगता है मुझ में बहुत एटीट्यूड है, या मैं उसे बुरा भला बोलता हूँ। मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलता भाई, मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुराइयाँ हैं मुझ में, लेकिन किसी की बुराई नहीं करता मैं, तो अल्लाह उसे भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। तो दूसरी बात यह है कि उसके दोस्त ने आगे उसे वो सामान दिया हुआ था, और इस दोस्त ने, मेरे दोस्त ने मुझे ये सामान दे दिया, और वो सामान मैंने कहाँ रखा है मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अब वो दोस्त सद्दाम भाई को कॉल करके बोल रहे हैं कि हीरो भाई से चूल्हा मांग के दो हमें। सद्दाम भाई की कॉल आई थी मुझे कि भाई चूल्हा दे दे। मुझे वाकई सच में याद नहीं है कि मैंने वो सामान किसी को दिया है या कहाँ रखा है, और मैं इस वक्त इतना बिजी हूं कि मैं नहीं ढूंढ सकता। व्लॉगिंग भी आप लोगों को पता है आधे से ज्यादा मेरी गाड़ी में होती है। मेरे घर वाले खुद बोल रहे हैं भाई क्या व्लॉग्स बना रहा है तू, आधे से ज्यादा तो गाड़ी में तेरा दिन गुजर जाता है। लेकिन मैं क्या करूं। और दूसरा ये है कि हमारी सिस्टर सो रही थी, बेचारी बीमार है, अल्लाह से शिफा दे, तो उसकी चॉकलेट चुरा के लाया हूं मैं, गैलेक्सी चॉकलेट, लेकिन दूसरी पड़ी हुई है, और ये भी मैं उसे बता दूंगा। लेकिन सिस्टर्स का सामान चुरा के खाने का अपना ही मजा है, या उसे छीन के खाने में, ये तो भाइयों को पता होगा, मोहब्बत होती है ना बहन भाइयों की। तो खैर ज्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों का, मुझे भी जाना ऑफिस, तो टाइम वेस्ट किए बना ये क्या बताऊं, बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, चलो बस चलते हैं ऑफिस चलते हैं चलो। अच्छा ये बिल्डिंग आएगी रास्ते में, आप लोगों को दिखाता हूं मैं, ये वाली, ये साइड में जरा देखना यार, ये बिल्डिंग मुझे बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन अफसोस के साथ ये कोई मेडिकल सेंटर वगैरह है, तो अल्लाह ना करे कि किसी को कुछ हो, मतलब अल्लाह ऐसा दिन ना दिखाए कि किसी मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल में जाना पड़े। प्यारी है तो क्या करे, बाड़ में जाए ऐसी प्यारी यार, हमें नहीं जाना। A few moments later. हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों का। हाँ जी, तो ये बीच में टिश्यू आ रहा है यार। हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों का, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मुझे काफी दिनों बाद, मतलब थोड़ा सा टाइम मिला यहाँ पे ऑफिस में, मतलब फील करने का कि मैं हूं इधर ऑफिस में। ये तो मतलब आप लोगों को कैसे कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि क्या फीलिंग आ रही है मुझे आज। मतलब कस्टमर कुछ कम है, थोड़ा सांस लेने का टाइम मिला है, और दूसरा यार ये दुकान का मालिक आता है यहाँ पे सिगरेट पी के चला जाता है, और कस्टमर आके मुझे गालियां देते हैं यार। ये अच्छी बात है, सिगरेट पीना गलत बात है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए इंसान को, खुद को भी नुकसान देती है, दूसरों को भी नुकसान देती है। क्या कह सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे सबको। तो सीन ये है भाई के 11:06 हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2 घंटे बाद 1 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे इधर से, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। आज थोड़ा सा माइंड फ्रेश है, लेकिन इधर पानी नहीं है मेरे पास पीने को, तो पानी लेके आते हैं पहले, क्योंकि भाई सुबह तो रोजा होता है, अब कौन सा रोजा। चलो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए जाते हैं, जाके पानी लेके आते हैं। चलो, तो हमारे आसपास भाई लोग कोई सुपरमार्केट नहीं है, इस वजह से हम लोगों को होटल में से पानी लेना पड़ता है। पूरे हफ्ते का पानी ले लिया है भाई, बार बार कौन आएगा, इसलिए कि हम लोगों को प्यास बहुत लगती है। तो चलो अब जाके सुकून से पानी पीते हैं, यही तो है जिंदगी।
लगता है हमारे गरीब खाने की लाइट नहीं चल रही, अभी जाके दुकान की लाइट चलाता हूँ, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग दुकान पे। लगता है दुकान पे कोई नहीं है। हेलो भाई कोई है, मुझे ही दुकान खोलनी पड़ेगी। तो कभी कभी ये सीन होता है कि हम लोग कस्टमर्स के साथ मजाक भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए कभी कभी। अब ये बंदा अक्सर आता रहता है मेरे पास, लेकिन ये पैकिंग नहीं करके आया इस बार। मैंने बोला भाई क्या पिज्जे कब से डिलीवर करने लगे हम? बोलता हाँ भाई मैं तो पिज्जे ही भेजूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है, मसला नहीं है, भिजवा देंगे, लेकिन पहुंचाना कब है, सहरी के वक्त या अफ्तारी के वक्त? बोलता एक सहरी के वक्त एक अफ्तारी के वक्त, लेकिन ये पिज्जा नहीं है भाई, ये कोई और चीज है। अब ये क्या चीज है वो तो मुझे भी नहीं पता। खैर हम लोग पानी की सेटिंग कर रहे थे, बीच में ही कस्टमर आ गए। ये देखो हम लोगों ने पानी की माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त सेटिंग की है। इधर हम लोगों ने अपना सेटअप बना लिया पानी का, दो तीन दिन का, क्योंकि सुबह रोजा होता है, शाम को फिर टाइम नहीं होता रोज जाने का दुकान पे, और कूलर वगैरह मेरे पास है नहीं। तो एक दिन की अगर दो बोतल भी पी तो हम लोगों ने, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन गुजर जाएंगे बस। ठीक है, ये आग बुझाने के लिए, अगर आग लगी हो तो आग बुझाएंगे इससे, लेकिन अभी आग नहीं लगी तो अभी हम लोग कुछ नहीं बुझाएंगे। दो चीजें खराब हो जाए ना तो काम खराब हो जाता है, एक मेरा दिमाग, दूसरा ये RMX का सिस्टम। आज RMX का सिस्टम खराब है, तो जो भी आ रहा है अपनी शिमेंट के लिए तो पहले ट्रैकिंग नंबर डालना पड़ता है सिस्टम में, फिर हमें पता चलता है कि शिपमेंट कहाँ है। तो हम लोग नहीं देख पा रहे कि शिपमेंट कहाँ है। तो अभी औरत आई, उसकी शिपमेंट देखनी थी। मैंने बोला बहन जी सिस्टम रुका हुआ, नहीं चल पा। अगर तुम्हारे पास मैसेज आया है कि मैसेज आ गया है कि आपकी शिपमेंट पहुंच गई है इधर, तो मुझे बताओ, मैं वेयर हाउस में जाके चेक कर लेता हूँ। बोलती तो तुम काम कैसे कर रहे हो सुबह से? मैंने बोला भाई यहां से मैसेज देखता हूँ, वहां पर जाके ढूंढता हूँ, ढूंढ के दे देता हूँ सामान। जब मैंने ऐसी शक्ल बनाई और उसे ऐसे बोला, अच्छा सॉरी भाई मैं चलती हूँ। बोला ओके अल्लाह हाफिज, अच्छा किया ना। वैसे भी औरतों से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, जैसी भी औरत हो यार, क्योंकि औरत जात बहुत प्यारी चीज है और साथ ही साथ खतरनाक भी है ना। तो हम लोगों को लग रहा था कि आज हम लोग फ्री फ्री घूमेंगे, कोई कस्टमर नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई पैकिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब पैकिंग करनी पड़ेगी, सामान भिजवाना। लड़की ने लैपटॉप ला के दे दिया है, बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड को लैपटॉप भेजो। अब भेजना तो पड़ेगा, हमारा तो काम है भिजवाना। आपको भी कुछ भिजवाना है तो भिजवा देते हैं, अभी रेडी करके भिजवा देते हैं। ऐसे पैकिंग करके गई है, ऐसे टेपे लगा के गई है, बोलती है कोई खोले नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ही खोलेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, इट्स ओके। कहाँ गया, कहाँ गया हमारा कटर, कहाँ गया? काट डालेंगे, काट डालेंगे। तो अभी इसकी पैकिंग करेंगे हम लोग, अभी टाइम होने वाला जाने का यार। जब बंदा फ्री बैठा होता है शुरू शुरू में तो कोई आता नहीं है, जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग चले जाएं घर, तब सारे मुंह उठा के आ जाते हैं। अभी आ जाएगा इसका बेड़ा वर्क, इसके लिए कुछ और पैकिंग का वो लाना पड़ेगा यार, कोई और कार्टन लाना पड़ेगा, ये तो इसमें फिट ही नहीं आ रहा। हाँ ये कब काम आएगा, चलो देखते हैं। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हमें कोई चीज नहीं मिली, तो ये रोजा मिला है, रोजा, ये कंपनी का नाम है रोजा, रोजा रखो रोजा। तो अब हम इस पे पैक करने की कोशिश करेंगे ये लड़की का लैपटॉप। लड़की का लैपटॉप हम लोगों ने निकाल लिया, मजबूरन निकालना पड़ा भाई, पैकिंग करनी है, तो इसमें ये फिट आ गया है। लेकिन अब ये बोतल भी घुसड़नी है इसके साथ, ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत साथ बांध के दे देंगे। ये तो इसमें आ गया है, लेकिन अभी बोतल कैसे पैक करके भेजे, इसका भी कोई हल निकालते हैं। तो भाई लोग फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है, डन 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 डन। ये देखो कैसी पैकिंग की, फिर नहीं की अच्छी। अब और कोई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था भाई, किसी कार्टन में नहीं आ रहा था ये, तो फिर मैंने बोला देसी टोटका
जब कोई चीज आपकी पैक ना आ रही हो तो एक शॉपर पकड़े, उसमें डालें और ऊपर से फिर ये क्या होता है यार, ये जो भी होता है ऊपर से लगा दें, पैक हो गई। ये भी हो गया, वो भी हो गया, बाकी टाइम बहुत कम बचा है भाई, 1 बजने वाला, निकलते हैं। तो दोस्तों काम तो अभी काफी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह आके करेंगे इंशाल्लाह, तो अभी निकलते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस से, अब चलते हैं सीधा घर और जाके कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर सोते हैं और सैरी पे उठते हैं। यार बंदा थक जाता है बहुत, क्या करे फिर, तो बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं। चलो हाँ जी, तो फ्रेंड्स हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर के पास पहुंच गए हैं, मतलब घर पहुंच गए हैं, अब जाके देखते हैं कुछ खाते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं। व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, वैसे तो कोई जवाब देने वाला नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसे होता है कि आप लोग बेवजह उदास हो जाओ, आप लोगों का दिल उदास हो जाए। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई है इससे पहले तब मेरा मूड ठीक ठाक था, लेकिन अभी मेरा मूड पता नहीं क्यों थोड़ा खराब हो गया है, मूड थोड़ा ऑफ हो गया, दिल उदास सा हो गया, पता नहीं क्यों, कोई वजह नहीं है कोई वजह भी नहीं है, बेवजह मतलब पता नहीं क्यों, शायद इंसान कभी कभी खुद को अकेला फील करता है इस वजह से। लेकिन अकेला नहीं फील करना चाहिए इंसान को, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, टेंशन किस बात की। हाँ सिंगल है हम लोग वो एक अलग मसला है, लेकिन वैसे अकेला नहीं फील करना चाहिए इंसान को। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, शुक्रिया देखने के लिए, इतना साथ निभाने के लिए, आगे भी सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखना और लाइक कर दिया करो यार, रोज रोज बंदा बोलता अच्छा लगता है क्या, खैर सब्सक्राइब भी कर देना, चलते हैं।